मेरी फैमिली अंदर बैठी हुई है, मेरे को तो कुछ शर्म आ रही है, क्या करूं? तो गाइस वो बोल देना कि मतलब फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग करना इजी नहीं होता है। मैंने अभी 2 मिनट बोला रहेगा कम से कम, और मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बटन ही स्टार्ट नहीं थी भाई। हार्दिक चालू है ना बटन? चालू है। अब बोलता हूँ, फाइनल इट्स अ डे। आज मेरा एंगेजमेंट है और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड एज वेल नर्वस। यार बहुत डर लग रहा है, मतलब लाइफ में इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बट ऑल्सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज इतने लोगों ने इतना कुछ प्लान किया मेरे लिए और बोला गया है कि तू तो आज मतलब खुश हो जाएगा। और मेरा चलो ठीक है, आज का दिन ही पैम्पर हो जाए, मुझे क्या दिक्कत है। अभी बज चुके हैं 5 और मुझे 5:30 बजे पहुंचना चाहिए था हॉल पे, बट मैं अभी तक बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट वेयर है एथनिक वाला, तो फिर वो अभी मैं पहन के तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे रिव्यू। डॉल ने क्या बोला ये भी तो बताओ। अच्छा हाँ, डॉल ने तो ऐसे बोला है कि यार तू तो देखना, तू मुझे देख कर ही बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश तो मैं होने नहीं वाला, कोई बेहोश नहीं होता है, बट भाई के साथ करूंगा। यस, हम भाई के साथ कुछ नहीं बन देंगे। मेरा भाई आया और कैसे नहीं बन देंगे भाई, हमारे साथ हूं मैं। ऐसा सपोर्ट, ऐसा मॉरल सपोर्ट चाहिए भाई। पर यार भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बेचारा मेरे लिए कल से आ रुका है यार। अच्छा लगता है ना भाई, सब मोटिवेट करने आता है, मोटिवेट क्या डीमोटिवेट कर दिया भाई इसने आते हैं भाई। अब तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तो भाई यार पता है क्या क्या सीन है, देखो मैं बताऊं। देखो मेरा क्या गोल है 30-31 में जाके शादी, और जब मैं शादी करूंगा ना छोटे छोटे राज घूम रहे होंगे। नहीं इतना भी जल्दी नहीं होगा, ये तो छोटे छोटे राज घूम रहे होंगे। मैं चल रहा हूँ आज मेरी शादी में, आओ बच्चों को लेकर जाऊंगा। ये तो चाचू बनने की गाई है। चाचू नहीं माता हूँ मैं, तुमसे बड़ा हूँ मैं। अच्छा मुझसे बड़ा होने को भाई एंगेजमेंट किसकी होने जा रही है। वाओ नाइस, आई एम फाइनली रेडी एंड आई एम गुड टू गो नाउ। और ये है मेरा फर्स्ट आउटफिट पूजा वाला। आई होप मैं अच्छा लग रहा होगा। लग रहा हूँ ना भाई? अच्छा, बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई। ओके, डॉल बोल रही थी ना कि क्या बोलते हैं तुम बेहोश हो गए, डॉल तुम्हें देख के होगी। हाँ वो तो हमेशा होती है बेहोश। वेट अ मिनट, हु आर यू? एक नंबर लग रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा मजेदार एकदम। मैंने तो फर्स्ट टाइम इतना कुछ पहना होगा पता है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि यार ये सब पहनना पड़ेगा मुझे इतने जल्दी, इतनी जल्दी। ठीक है पर कोई नहीं अभी सेकंड आउटफिट तो और क्रेजी है और पूरे वीडियो देखो, और क्रेजी है सेकंड आउटफिट। तो फाइनली ग्रूम साइड निकल चुका है और हम जा रहे हैं सीधा लोगों के साथ। यस, काफी लोगों के साथ। अकेली बहुत है मैं। हाँ अकेली बहुत है। अब दोनों ऐसा नाचेंगे ना वहाँ पे, सब लड़कियों को चुप कर देंगे। और जो तुम लाइफ टाइम नाचने वाले हो उसके इशारों पे वो भाई वो देखा जाएगा तब का तब। पर आज तो भाई नाचेंगे मेरे भाई एकदम फुल तोड़ू, डीआईडी का ऑडिशन फेल हो जाएगा पता नहीं। बहुत सारी चीजें लग रही है माइंड में कि कुछ ना कुछ तो डॉल का आउटफिट इसको लगा दूंगा मैं। लगा दे भाई, उड़ा दे। अरे भाई मेरा हाथ दिख गया यार, सॉरी यार, सही से पकड़ना नहीं सीखा, जब सीख लूंगा तब ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डॉल का वो देखा है आउटफिट? डॉल का आउटफिट उसने इतना सस्पेंस बनाए रखा है और मुझे बोला तू देखना ऐसे करना बेहोश हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसने कम से कम बेहोश वाला ना नहीं मेरे को शौक सुंगा देना, अपनी ठीक हो जाऊंगा मैं। Left, right. ये बोल रहा था कि बहुत सारे चीजें माइंड में ऐसी लग रही है कि लेफ्ट हो चुकी है, कुछ चीज छूट चुकी है मुझसे, बट अब पता नहीं जैसे जुगाड़ जुगाड़ में कर देंगे चीजें। क्या बोलते हैं हार्दिक, कर लेंगे ना जुगाड़ जुगाड़ में। अब तो कुछ ऑप्शन है। हाँ भाई आ जा। ये बंदे ने मेरे लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस सेट किया हुआ है। आप सबको पता है रमी कैसा डांस करता है, आप सभी को पता है। सॉरी, तो रमी ने कुछ मेरे लिए स्पेशल परफॉर्मेंस सेट की है और मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और हार्दिक ने एक अच्छा गाना मेरे लिए प्रिपेयर किया जो कि वो गाने वाला है फर्स्ट टाइम। वही तो है ना, सही बात है। यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। अच्छा गाऊंगा मैं। बहुत अच्छा। आज के दिन पे मैं दो लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और मतलब कि उनका एक्चुअली काम है इसलिए वो मेरे साथ आ नहीं पाए, बट मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। और मुझे पता है तुम दोनों ही मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ, बट कोई नहीं, मुझे पता है वो मेरा व्लॉग देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ लकी की और आकाश की। यार मतलब ये दोनों अगर होते ना तो आज के मेरे फंक्शन में 4 चांद लग जाते थे यार। मैं जेन्युइनली बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोगों, जब भी देखोगे ना याद करना कि राज हॉल जाते वक्त भी तुम्हें याद कर रहे थे, कितना मिस कर रहा है तुम्हें वो। चैनल जल्दी उड़ जाएगा, पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे। तो मैं ये बोल रहा था कि हार्दिक ने मुझे ये बोला कि भाई तुम्हारी और मेरी आवाज बिल्कुल सेम लग रही है जब तुम व्लॉग कर रहे हो। मेरा तो वॉइस ओवर ही है ये भाई, वॉइस ओवर ले रहा है मुझे ये। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड दिस इज माय वेलकम बोर्ड। वेलकम, और अंदर आने दो ना यार, ये देखो हक दिया ना तुम मेरे व्लॉग में। मैं यहाँ आ चुका हूँ, मेरा वेलकम बोर्ड मैंने आपको दिखाया जस्ट।
घर तक करा था, सही करा था, बाहर आके कॉन्फिडेंस पूरा लो हो चुका है। हाँ तो मैं बोल रहा था मैं आ चुका हूँ और डॉल तो अब तक यहाँ पे आई नहीं है, वो हमेशा की तरह आज भी लेट है। सो ये देखो क्या बात है। यस क्या नाइस ना, बहुत बढ़िया। ये तो बिजी है अभी भी। चलो कोई नहीं, मेरी फैमिली अंदर बैठी हुई है, मेरे को तो कुछ शर्म आ रही है, क्या करूं। शर्म क्यों आ रही है भाई? यार पता नहीं आ रही है, पहली बार कर रहे हैं ना, पहली बार ही होती है यार, पहली बार ही होती है। चलो हाय पवन। हेलो भाई, स्मार्ट लग रहा है यार। थैंक यू सो मच, दिस इज पवन। यू ऑल नो इट। तो भाई मैं भी ब्लॉग कर रहा हूं। अरे कभी से अभी फर्स्ट व्लॉग है क्या? फर्स्ट व्लॉग है क्या? चलो आ जाओ। So guys, this is the hall decor, जो कि डॉल के चॉइस का है यार, मानना पड़ेगा इसके चॉइस को। क्या सेटअप किया है, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। कैसा लग रहा है? हाँ यार ये भी सोचने वाली बात है। मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मैं क्या बोल रहा था, हार्दिक और रेमी फूड की टेस्टिंग कर लो यार। मेरे दिल की बात चाहिए तुमने। दिखना भी मेरे को फोन कैसे पकड़ते, ये भी सिखा दिया। और भाई हम सही जगह पे आए ना, सही हॉल में। क्यों? मेरे को तो हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पहचानता। टेक्निकली नहीं, लॉजिकली, टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली इंट्रोवर्ट बंदा। ग्लिच हो गया उससे। ग्लिच हो गया भाई, अभी चल रहा है फुल। The main guest is here, guys. हाँ मैं ही हूँ भाई। जा जा, bye bye, बस बस बस। Guys, she's finally. खुशी ढूँढेगी, खुशी देखो भाई। Oh my god. ये राज की एंट्री चालू है। Oh my god. अच्छे लग रहे दोनों। ए दुल्हन की बहन। अरे आ जाओ। हाँ लेकिन pretty. ये सौम्या आते को पता है मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ। वाओ कितने गलत टाइम पे ले रहे हो, जब मेरा नाम फुल रहा है, बट इट्स ओके। यस हमने न्यू व्लॉगर मतलब कंपटीशन है यार। ए सुनना, ऐसे लग रहा है मैं पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ। नहीं यार, अरे खुद का तो फेस दिखाओ। बहुत दिखा दे। चलो गाइस अभी पूजा स्टार्ट हो चुकी है एंड डॉल मेरे मम्मी डैडी के साथ पूजा के लिए बैठी है एंड इधर आओ। ये बहुत गंदा था। ये बहुत ये पता एक वर्ड होता है ना राज भाई, भाई याद, ये उससे भी गंदा था। सुंदर था। रिंग सेरेमनी एंड मेरे साथ मेरी पूरी ग्रूम टीम है। गाइस आ जाओ मिरर के पीछे फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत हौसला दे रहे हैं। ये कौन है देखो तो जरा, कौन है? स्कूबी को पकड़ो पहले। कैंडी मूवी सी आओ भाई। मेन बंदा तो आया, ये तो मेन बंदा मेरा अब आया है भाई। विकी तेरे को पता है मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस बार, है ना? हाँ अभी हमारा रिंग सेरेमनी भी हो चुका है, अब डॉल मेरे लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस दे रही है
and I was super excited to watch it. Here she is. I don't know what doll kya karne wali hai. Main pata nahi, main ro na bhi bas main yahi prayer kar raha hu yaar. My groom team, how are you all? Mayur, where are you, bunny? नीचे झुको थोड़ा सा, दिखेगी नहीं सब लोग. इरफान भाई, what's up? How's everything? Come on, सूरज. कैसा लग रहा पापा? अब मुझे जैसे पता चला है कि अब नेक्स्ट अभी नेक्स्ट सौम्या और सूरज का डांस कैसा फील हो रहा है? बहुत, I can't express, मतलब बॉयज का कैसा लगा था? काजल के लिए शादी को एक महीना हुआ है. काजल इज परफॉर्मिंग. अब सब कुछ हो चुका है, हमारा फोटो शूट भी हो चुका है और अब हम बैठे खाना खाने. और क्या बताऊँ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई एम सो टायर्ड. और यहाँ पे है द वन एंड ओनली आरती शर्मा. यस, आरती का डांस होते होते रह गया. ये मेरी है ना ग्रूम साइड, उसकी शादी में नहीं आया, उसने डांस खा लिया. माय बॉयज, मैं अपने एंगेजमेंट करके निकल चुका हूँ इरफान भाई के साथ. आज का दिन काफी टायरिंग था, है ना? मैं को तो खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्या नहीं कर रहा था और कितना डिफिकल्ट है ऐसे टाइम पे व्लॉग शूट करना. मैं तो फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहा था, बहुत टफ था यार आज का तो सही में. बट आई एम सो थैंकफुल मेरे पास आप जैसे लोग दोस्त हो यार, कि मतलब इतना स्मूथली सब कुछ हो गया, मुझे कुछ समझा ही नहीं. थैंक यू फॉर एवरी वन, जितने भी जो 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 कुछ भी मैनेजमेंट किया, आई लव इट. सो गाइज, इट्स अनदर डे आफ्टर माई एंगेजमेंट. अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है फाइनली. और क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक था उस दिन पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है. बट एंड ऑफ द डे डॉल ने और मेरे फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला, सब कुछ इतने अच्छे से कि आई एम सो लकी टू हैव दिस पीपल इन माई लाइफ. ऑल्सो लाइक आई कैंट बिलीव, मतलब हमने बहुत लॉन्ग जर्नी देखा है मैंने और डॉल ने, एंड आज फाइनली हम लोग ये स्टेज पे है कि हम इंगेज्ड हो चुके हैं एंड मतलब लाइफ लॉन्ग अब हम साथ में रहने वाले हैं. या ऑल्सो मैंने पूरे वीडियो में डॉल के बारे में कुछ कहा नहीं, बट शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. मतलब ना ऐसे ड्रीम गर्ल होती है वैसी लग रही थी एकदम, मतलब कि जो सपनों में आती है ना वैसे वाली लड़की थी एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी. बात तो सही है. सो फाइनली आई एंड माई व्लॉग हो ये. एंड मेरे व्लॉग में पता है मुझे फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहा हूँ तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ छूट गई होगी, जितना कवर करना चाहिए था शायद मैं उतना नहीं कर पाया ड्यू टू मेरे टाइमिंग्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर. आई होप मैंने तुम्हें बोर नहीं किया होगा. थैंक यू.